ये है निवेदिता और अशोक। महाराष्ट्र में कर्जत के एक छोटे से ट्राइबल गांव में समावेशी पाठशाला नाम का एक इंक्लूसिव स्कूल है। निवेदिता और अशोक इसी स्कूल के को-फाउंडर्स हैं। बाहर से दिखने वाला ये छोटा सा स्कूल कुछ ऐसा काम कर रहा है जो हमारे देश के कई बड़े स्कूल्स कभी सोच भी नहीं सकते। स्कूल के अंदर बच्चों की पढ़ाई और स्कूल के बाहर लगभग 30 आंगनवाड़ी के साथ काम करना और हाल ही में नजदीकी गांव के कुछ घरों में सोलर इंस्टॉलेशन करके इन्होंने ये बात का प्रमाण दिया है कि एक स्कूल सिर्फ अपने स्कूल के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी काम कर सकता है। चलिए जानते हैं इन्होंने ये क्यों और कैसे किया। एक ट्राइबल गांव में एडुकेशन पे काम करते करते अशोक और निवेदिता को ये महसूस होने लगा कि एक गांव में सिर्फ एडुकेशन ही नहीं बल्कि और भी दिक्कतें हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पानी, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी और न जाने क्या क्या। कोविड के लॉकडाउन ने ये सारे प्रॉब्लम्स को और भी प्रोमिनेंट कर दिया है। निवेदिता और अशोक को ये लगने लगा कि उनको और भी कुछ करना होगा। एक स्कूल का काम बच्चों को पढ़ाना तो है ही, पर क्या ये और भी कुछ कर सकते हैं? इसी सवाल के साथ उन्होंने लोकल आंगनवाड़ी के साथ काम शुरू किया। उनको कैसे एक इंक्लूसिव आंगनवाड़ी बना सकते हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और कैसे बेहतर कर सकते हैं। बहुत जल्द इनको ये समझ आ गया कि सोलर एक बहुत ही अच्छा और सस्ता उपाय हो सकता है, गांव के कई सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो सकते हैं। स्कूल के साथ साथ समावेशी पाठशाला ने सोलर ट्रेनिंग का काम भी शुरू किया। लोकल यूथ को इस ट्रेनिंग से काम कैसे मिल सकता है और इस ट्रेनिंग को कैसे एक इंक्लूसिव ट्रेनिंग बना सकते हैं, उसी काम में अशोक लग गए। आज ये लोग एक छोटे से घर में सोलर लगा रहे हैं। समावेशी पाठशाला, जेट फाउंडेशन और थिंक सोलर की मदद से आज एक घर में 2 लाइट्स, एक फैन और एक मोबाइल चार्जर लगाया जा रहा है। समावेशी पाठशाला का ये कोशिश सिर्फ एक कोशिश ही नहीं बल्कि हम सब के लिए एक एहसास है, एक उम्मीद है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं और हमारे हौसले बुलंद हैं तो हम ज़रूर कुछ कर सकते हैं।